हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू राइड विद जोशी। मैं जा रहा हूं जी केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, गाड़ियां भागी जा रही हैं दर्शनों के लिए, यात्रियों की, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। फ़िलहाल अभी मैं देवप्रयाग से 2 किलोमीटर पीछे हूँ। चलिए चल के आपको देवप्रयाग के दर्शन करवाता हूँ। पहले सुबह से ही चंडीगढ़ से निकला हुआ था 6 बजे से। मौसम बहुत ख़राब था, पूरे रास्ते बारिश हो रही थी। अभी यहाँ कुछ टाइम के लिए बारिश रुकी है तो यहाँ पर रुक के वीडियो बना रहा हूँ। तो सोचा आपको भी देवप्रयाग के दर्शन करवा दूँ। चलिए चल के पहले आपको देवप्रयाग के दर्शन करवाते हैं, फिर देखते हैं महादेव जी का कैसा आगे से बुलावा है या नहीं है। जो भी होगा आपको साथ ही साथ अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पर ये देखिए माइलस्टोन लगा हुआ है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। देवप्रयाग यह है अलकनंदा नदी के पवित्र पंच प्रयाग संगम में से एक है। देवप्रयाग 2 पवित्र नदी भागीरथी गंगा की प्रमुख जलधारा है। अलकनंदा का संगम है। इस शहर का नाम दियो शर्मा ऋषि के नाम पर रखा गया था, जिन्हें भगवान की झलक पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की और सफल हुए। आदि निश्चित है कि रघुनाथ जी का विशाल मंदिर करीब 10,000 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। अब इसका निर्माण विशकालय बिना सीमेंट के पत्थरों से बना है। यह शहर के ऊपरी भाग के पटल पर स्थित है। अनियमित पिरामिड सुनहरे गोले के साथ सफ़ेद गुंबद में सम्मिलित है। शहर में रघुनाथ मंदिर के अलावा सूर्यकुंड, इंद्रधमना, पुष्यमल्य और भुशंडी दुर्गा विश्वी भरत को समर्पित मंदिर है। बेतालशिला में स्नान कुष्ठ रोग की औषधि है। चलिए जी चल के आपको आगे से भी दर्शन करवा देता हूँ एक बार। भाई दोस्तों, आप भी करिए दर्शन देवप्रयाग के संगम के। सामने पहले तो देखिए देवप्रयाग नगरी है ये बसी हुई, कितनी सुंदर लग रही है। काफ़ी हाइट पे आके खड़ा हुआ हूँ। एक यहाँ पर पॉइंट है जहाँ से आपको दोनों साइड के संगम के दर्शन होते हैं। ये देखिए यहाँ से ये माँ अलकनंदा जी आ रही हैं और वहाँ से बहती हुई भागीरथी हैं। इनका कलर हल्का ग्रीन है, वो डार्क ग्रीन है थोड़ा सा, और आगे जाकर ये गंगा जी का रूप धारण कर लेती हैं। ये देखिए ये सामने नीचे मेन रास्ता है जो हाईवे है आगे जाने के लिए चारधाम के लिए। अभी थोड़ा सा आगे जाके भी आपको दर्शन करवाऊंगा अपोजिट साइड से। यहाँ स्पेशल आया था हाइट पे खड़ा होके दर्शन करवाने के लिए, आपको वीडियो बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर दोनों नदियों का संगम हो रहा है। अभी आप फ़िलहाल दर्शन कर रहे हैं अलकनंदा और भागीरथी के देवप्रयाग महान संगम का। ये सामने देवप्रयाग नगरी है और बीच में ये मंदिर बना हुआ है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय का है। जूम करके देखते हैं थोड़ा सा और। लो जी आप भी दर्शन करिए। चलिए जी चल के आपको आगे से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ की खूबसूरत और हसीन वादियाँ और ये जगह देखिए जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, जहाँ से मैं दर्शन करवा रहा हूँ आपको वीडियो बना के। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ। थोड़ा सा और करीब से दर्शन कर लीजिए आप भी माँ गंगा के, भागीरथी के, अलकनंदा के। ये है जी 5 संगमों में एक प्रमुख संगम जिसे कि देवप्रयाग संगम कहते हैं। दोनों तरफ से नदियां आती हुई बहुत ही सुंदर लग रही हैं। देखिए करवा दिए जी आपको माँ गंगा के, भागीरथी के और अलकनंदा के दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। महादेव जी की क्या मर्जी है, अगर आगे केदारनाथ जी के दर्शन हुए तो आपको भी जरूर करवा दूंगा। फिलहाल तो अभी मौसम की वजह से आगे यात्रा बंद है। समाचार तो यही है, देखते हैं कहीं रास्ते में रुकते हैं एक जगह आगे जाकर लछमोली, वहीं पर रात्रि विश्राम करने की सुविधा मिल जाएगी अपने को, वहीं पर चल के रुकेंगे। चलिए जी चलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। कीप राइडिंग विद लाइफ।